पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने टीकमगढ़ कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर चुनाव कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोध चेहरा पेश किया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार तरीके से माननीय न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती तो आरक्षण समाप्त होने की नौबत नहीं आती। माननीय उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को निरस्त किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को सही तरीके से नहीं रख सकी। आरक्षण निरस्त होने के फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को गहरा धक्का पहुँचा है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जो वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव में मुद्दा ये था कि जो मध्यप्रदेश सरकार पंचायत के चुनाव करा रही है वो एक्ट पर रूल मतलब संविधान के अनुसार चुनाव के लिए भारत में संविधान में जो पंचायत राज एक्ट है उसमें लिखा गया है कि हर 5 साल में रोटेशन के आधार पर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। लेकिन इस समय मध्यप्रदेश सरकार ने गैर कानूनी तरीके से और अधिकार क्षेत्र से बाहर उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और उन्होंने कहा कि ये हम रोटेशन की पद्धति को 5 साल के लिए स्थगित और कर रहे हैं और अब 5 साल के बाद जो रोटेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे और मनमाने तरीके से आरक्षण कर दिया। जबकि भारत के संविधान में छेड़छाड़ का अधिकार केवल भारतीय संसद को है, किसी राज्य की विधानसभा को नहीं। इसलिए इनका ये अध्यादेश जो है गैर कानूनी है, उसके खिलाफ माननीय विवेक तंत्रा जो हमारे राज्यसभा के सांसद है सामने थे वो पहले हाईकोर्ट गए विधिवत तरीके से। जब हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं करी तो वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि आप कल सुनवाई करें और इस पर एज पर रूल एज पर संविधान आप जो है इसमें निर्णय लें। लेकिन हाईकोर्ट ने तारीख बहुत लंबी दे दी, इसके विरोध में विवेक तंत्रा जी फिर वहां पहुंचे कि आरक्षण की प्रक्रिया दूषित है, आरक्षण की प्रक्रिया दूषित है, इसलिए इसको आपको तत्काल सुनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन लिखी है कि एच पर संविधान आप चुनाव कराएं और अगर कोई इसके विपरीत चुनाव कराता है तो हम जो है ऐसे निर्देश देते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होगी ओबीसी। तो ये कोर्ट का निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे सारा दोष निर्णय जो है कांग्रेस का हो, कांग्रेस का निर्णय। आज हम स्पष्टीकरण देने के लिए आए हैं कि हमारे सांसद और वकील, वरिष्ठ वकील जो दिलीप संघा जी हैं, उनने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नोटिस जारी किया है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और मिल तो हम आपसे 10 करोड़ के मानहानि के दावा पेश करने जा रहे हैं हाईकोर्ट। उसी बात के ऊपर हम लोग ये कर रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।